अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट किया करें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल पर ले कर आएँ। आगे चलते हैं और आज की रूटीन करते हैं शुरू। तो परसों के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारा केले का दरख्त है और केले लगे हुए हैं। तो इस पर ना ये जो है इस पर छापर चढ़ाया था, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और धूप की वजह से ना ये पक रहा है अब। और अब मैं देखता हूँ छापर के अंदर जो खड़े हैं ना, इनमें से कोई एक हाथ पक्का खड़ा होगा, तो अब वो देखता हूँ। अगर पक्का खड़ा है तो मैं तोड़ कर आपको दिखाता हूँ। सही नज़र आना चाहेगा। अच्छा, ये वाला जो है ना ये पक्का खड़ा है, तो जगह बड़ी अजीब सी है। मैं खड़ा बड़ा, तो ये जगह बड़ी अजीब सी है, मैं बड़ा गैर मुनासिब तरीके से खड़ा हूँ इधर। तो ये तोड़ते हैं और आपके हाथ शेयर करते हैं कि ये पक्का है या नहीं। तो ये केला मुझे लगता है कि पका हुआ था, मैंने अभी तोड़ा है, पता नहीं नुकसान किया है या क्या है, देखते हैं। अब अगर पका हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर अभी कच्चा था तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है नुकसान किया है। लग रहा है ऐसा कि ठीक है, ये ख़राब नहीं है। अब फिर देखते हैं, अब इसे छीलते हैं और फिर देखते हैं पका हुआ है या फिर कच्चा है अभी। अच्छा, तो माशाल्लाह ये कच्चा नहीं है, ये बड़ा मज़े का है, पका हुआ है। क्योंकि गर्मी और धूप है ना, तो उसी वजह से छापर भी चढ़ा हुआ है, तो ये पक गया है और ये बड़ा मज़े का है। ये जो बाज़ार से हम लेते हैं ना, ये उससे ज़्यादा मज़ा आएगा इसे खाने में, मुझे अंदाज़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि बाज़ार वाले जो हैं वो उनकी नस्बत ये मतलब ज़्यादा बेहतरीन है और बड़ा मज़े का है। तो आप इसे खाते हैं और इंजॉय करते हैं। आज तो इतना ही पका हुआ था, छापर में जो खड़े हैं उसमें आज मतलब एक यही वाला ही था, बाकी कच्चे हैं अभी। तो जैसे जैसे ये धूप पड़ रही है ना, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर पकते जा रहे हैं। तो अब खाते हैं और देखते हैं। पका हुआ तो है लेकिन इतना भी नहीं पका हुआ, अंदर से ना थोड़ा थोड़ा कच्चा है, बाहर से लग रहा है कि पक्का है लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्चा है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मज़े का है, इतना ख़राब नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है इसे खा के। अच्छा तो यार ये केले ना जब पक जाते हैं, पक तो मतलब अब आपने देखा कि कच्चा था, अब मैंने तोड़ा तो इसी तरह बाकी जैसे वैसे हो जाते हैं। तो इनको खाने की बजाय ना बंदा एप्पल डालकर इन्हें डालकर जूस बनाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कुछ दिनों तक, अगर ये मज़ीद अच्छे होते हैं ना, पकते हैं, इस काबिल होते हैं कि जूस बनाया जाए, तो इनसे बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि ये तो खुद के ही पके हुए हैं और बाज़ार वालों से ज़्यादा बेहतर हैं, तो किसी दिन जूस बनाकर भी देखते हैं कि कैसा बनता है। वैसे आपस की बात है, ज़ाया किया है, पका हुआ नहीं था, अंदर से काफ़ी कच्चा था, जिसकी वजह से जायका भी बड़ा अजीब सा हो गया है। तो आज का केला ज़ाया गया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि अंदर से काफ़ी कच्चा था और अब मुंह का जायका भी बड़ा अजीब हो गया है। फिर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मेरे तो किसी काम का नहीं था केला, आपको पता बताया कि कच्चा था, तो अब ज़ेबो निसा के काम आ गया है, ज़ेबो निसा उसे खा रही है और गुजारा तो हो ही रहा है।
गुजारा तो हो ही रहा है, अब गुजारा तो हो ही रहा है, गुजारा तो हो ही रहा है। दिखा मैं केला भी खा, केला भी खा, उतना खाती भी खा जाती है। बात यह है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर निकलकर व्लॉग बनाना एक चैलेंज बना हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, निकलने के लिए दिल ही नहीं करता। अंदर बैठे रहें तो सुकून रहता है, बाहर जैसे ही निकलते हैं तो आग सी लग जाती है पूरे वजूद को, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो जिसकी बेटी की सर की चादर कई जगह से फटी हुई है, तुम उसके गांव में जाके देखो तो आधी फसलें कपास होंगी। आपको याद होगा काफ़ी दिनों से आपके साथ कपास की फसल भी शेयर करता रहता हूँ, जो हमारे पास ही है एक ठेकेदार की, जिसमें टिंडे और प्याज वगैरह भी थे तो वो मतलब तोड़े गए थे, तो उसके बाद उसने उसकी अच्छी केयर की और वो माशाल्लाह खूबसूरत हुई। तो अब जो सूरत हाल है उसमें मतलब जो कपास थी वो निकल आई है, उस पौधे हैं उनमें से कपास वगैरह निकल आई है, और वो मंज़र मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कितना खूबसूरत मंज़र है और कितनी प्यारी लग रही है। मैं आज आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। ये मुकम्मल कपास की फसल है, आप लोग देखें यहाँ से कोई इतनी ज़्यादा कपास नज़र नहीं आ रही होगी आपको, चूँकि इतनी अभी नहीं निकली, थोड़ी बहुत ही निकली है, और क्लोज जाके देखना पड़ेगा तो फिर ही नज़र आएगी, तो मैं वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। हाँ माशाल्लाह, ये देखें, ये देख लें आप, ये कपास निकली हुई है, इसमें से अभी निकलनी है और बाकी भी, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि निकली हुई है, काफ़ी जगहों पर निकली हुई है इसी तरह। दिन का एक का टाइम है और मैंने आपके साथ जो कपास की फसल शेयर की है, अपने खूबसूरत मंजर देखे हैं, इन्हें बनाने के बाद जो मेरी हालत हो गई है वो भी आप लोग देख रहे हैं। तो यार आप भी अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आपकी मर्ज़ी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है और दिन का टाइम है और दोपहर का, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओ यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, और मैं वीडियो बना के आया हूँ और आप पंखे के सामने बैठा हूँ। तो अगर यूट्यूब चैनल चलाना इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई चला लेता, बड़ा मुश्किल है चैनल चलाना, रोज़ाना व्लॉग बनाना, और वो भी इतनी शदीद गर्मी में जब सूरज 42 पे खड़ा हो, हाँ 42 पे खड़ा है, तो इस हालत में वीडियो बनाना बाहर निकल कर दोपहर के टाइम बड़ा हिम्मत का काम है। और फिर मेरे जैसा बंदा जो मतलब नॉर्मल भी नहीं है,
खैर कोई बात नहीं, आप लोग हौसला बढ़ाएं और चैनल सब्सक्राइब करें।